रही हूँ मूली की भाजी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं डालूंगी मूंग की दाल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो मूली के पत्तों की सब्ज़ी के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले लिया हुआ है कढ़ाई में सरसों का तेल, करीब 1 चम्मच तेल है ये। इसको गर्म होने दें। तब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 मूलियों को ऐसे कद्दूकस कर लिया हुआ है और करीब 3 मूली के पत्तों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है और करीब 1 कप मूंग की दाल को, हरी मूंग की दाल को मैंने 1 घंटे के लिए सोख होने के लिए रख दिया था। तो ये वो दाल है और यहाँ पर मैंने 5-6 हरी मिर्च को कट कर लिया हुआ है और 1 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट कर लिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसमें लहसुन की कलियाँ भी कट करके डाल सकते हैं, पर मैंने अभी लहसुन नहीं डाला है। लहसुन का फ्लेवर भी इसमें काफ़ी अच्छा आता है। तो हमारा तेल गरम हो चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग डाली है, 1 चुटकी, उसको मैं इसमें डाल दूँगी। गैस को करेंगे धीमा। इसमें हरी मिर्च और अदरक डालेंगे, इसमें अपनी दाल डालेंगे। हमें इसमें अपनी दाल को करीब 2 मिनट भूनना है। हमारी दाल को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके थे, इसमें मैं अपनी कद्दूकस की हुई मूली डाल दूंगी। इसको भी हमें 2 मिनट भूनना है जिससे इसका पानी थोड़ा जो है सूख जाए। ये सब्जी बनकर बहुत ही टेस्टी तैयार होती है, हरी पत्तेदार सब्जी। अगर उसके साथ आपको दाल के रूप में प्रोटीन मिलता है तो ज़रूर इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। कॉन्स्टिपेशन पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छी सब्ज़ी है, यानी कब्ज़ के मरीज़ों के लिए। हम ऐसे करीब 2 से 3 मिनट भूनना है या फिर जब तक इसका सारा पानी ड्राई नहीं हो जाती है, थोड़ी सी, जब तक ये पानी एकदम सूख जाएगा उसके बाद इसमें हम पत्ते डालेंगे अपने मूली के। देखिए हमारे मूली को भूनते हुए करीब 3 मिनट हो चुके हैं, इसका पानी भी काफ़ी हद तक सूख गया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें अपने मूली के पत्ते ऐड करेंगे। अभी हमको नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है, सिर्फ इन्हें भुनने देना है। और आप मूली के पत्तों को जितना फाइन चॉप करोगे उतनी अच्छी आपकी मूली की भाजी बनकर तैयार होगी। इन्हें अच्छे से मिला देंगे। गैस को धीमा रखना है। मैंने गैस को धीमा कर दिया है और इसको लिड से कवर कर दिया है। इसको बीच बीच में भूनते जाएंगे हम लोग। देखिए हमारी मूली की भाजी भुनने लगी है। देखिए कि दाल पर थोड़ा कलर आने लगा है। इसको थोड़ा सा और भूनना है अभी हमें, करीब 2 से 4 मिनट और, उसके बाद इसमें मसाले डालकर भून। देखिए हमारी दाल लगभग पक चुकी है, तो इसमें हमें सिर्फ 1 चम्मच नमक डाल देना है। इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि अपने आप में इतनी फ्लेवरफुल है कि अगर हम ज़्यादा मसाले डालेंगे तो इसका फ्लेवर ही कहीं खो जाएगा। इसके तीखेपन के लिए मैंने इसमें हरी मिर्च डाली थी, दैट्स इट। आपको इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के मसाले डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर ऐसे ही पसंद है और ये ऐसे बनती भी काफ़ी अच्छी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको करीब 2 मिनट और भुनने देंगे। तो देखिए हमारी मूली की भाजी बनकर तैयार है। तो गैस को करेंगे बंद, ऐसे करते हैं प्लेट। की भाजी बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे मैंने प्लेट किया है सैलेड के साथ और चपाती के साथ। आप इसे पराठे, पूड़ी किसी के साथ भी खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी और यूनिक लगती है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए।